नहीं, आप ये बताइए कि क्या आपका विजडम सरदार पटेल नेहरू से बढ़ के है? मेरा तो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। क्या सरदार पटेल, आपका विजडम सरदार पटेल से, नेहरू से, अयंगार से, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो लोग जो सब थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में, किसी ने उसका मुखालिफत नहीं की? अगर आपका विजडम उनसे बड़ा है तो सर फिर तो आप तो विद्वान हैं, बड़े आदमी हैं, आपको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। मेरा तो नहीं है, इसलिए मैंने कहा। नहीं, मैंने ये कहा कि कश्मीर से ज़रूर मोहब्बत है मगर कश्मीरियों से नहीं। मैंने ये भी कहा कि आपको इख्तदार से मतलब है, इंसाफ से नहीं है। मैंने ये भी कहा कि आपको पावर से मतलब है, खिदमत से मतलब नहीं है। वो इसलिए कि क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 और 20 में लागू नहीं होता वहाँ पर? तो आप 80 लाख लोगों को बंद करके रखेंगे? ये इमरजेंसी है क्या? ये तो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं आप, मामूली बात नहीं है ना। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट के बीजेपी के सपोर्ट में बास जो लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर में भी बिठाया जाता है, दूर दूर लेकर जाया जाता है, उनको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, मगर 80 लाख लोगों को आप टेलीफोन भी करने नहीं देंगे? एक फंक्शनल डेमोक्रेसी अगर साउथ एशिया में है तो इंडिया है, और आप वहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं सब खुशी मना रहे हैं। भाई जब फूलों में बहार है, आपके आंगन में बहार है, तो टेलीफोन करने दीजिए ना। ये दुनिया में कहाँ पर होता है कि आप 300 टेलीफोन बूथ लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे आके बात कर लो? ये हमारी डेमोक्रेसी की कामयाबी है क्या? हम सरकार से पूछ रहे थे, ये हमारी डेमोक्रेसी की कामयाबी है क्या? क्या क्या कंडीशन है बताइए, कौन सा कंडीशन है? आप एक बात याद रखिए, आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 21 को नहीं छीन सकते, आप नहीं छीन सकते। ये सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भूल चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन है मगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही मानना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को मानना पड़ेगा, मगर ये सरकार जो है रूल बाय लॉ कर रही है। हाँ हाँ, नहीं आरोप लगना नई बात नहीं है, वो लगता है। नहीं नहीं, नई बात तो नहीं है ना। देखिए, मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा। मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलाद हैं वो मुझे ऐसा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में है अभी भी गोडसे की औलाद हैं? जिस तरह अगर महात्मा गांधी को गोली मारी तो ओएसी का क्या है भाई? इल्ज़ाम तो मेरे जब तक मैं जिंदा रहूँगा लगता रहेगा। मैं अपनी बात क्या कह रहा हूँ, मैं कल अपनी स्पीच में कहा मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, मगर क्योंकि आपके टीआरपी को लगता नहीं है तो आप नहीं दिखाया उसको। मैंने कहा था ना कल, मैंने क्या कहा, संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 1 के खिलाफ है, आर्टिकल 3 के खिलाफ है। मैंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था कि बग़ैर उस रियासत की असम्बली को पूछे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाइफर्केशन की इजाज़त दे दी। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ, मैं सरदार पटेल की बात कर रहा हूँ, मैं अयंगार की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात तो मैंने कहा कि मुझे मतलब ही नहीं है उससे। मगर इसके बावजूद भी जो दरबारी किस्म के ग़ुलाम हैं जिनको लगता है कि ओवैसी को गाली देने से मोदी के गुड बुक्स में उनका नाम आ जाएगा, तो मुबारक हो और दीजिए। देखिए, ये मेरा आर्गुमेंट क्या है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, ये संविधान के ख़िलाफ़ है। क्या आपने रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली से पूछा? नहीं पूछा। क्या आपको इख्तियार है आर्टिकल 3 में? नहीं है। और हमने एक एग्रीमेंट का वॉयलेशन किया है, उस एग्रीमेंट का जिस पर सरदार पटेल के, नेहरू के, अयंगार के दस्तखत हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। अगर मैं इन मुद्दों को उठाता हूँ, और मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स हैं 2016 का और 17, जिसमें एक बेहतरीन जजमेंट है जस्टिस रोहिंटन नरीमन का, पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि टेम्पररी मेजर नहीं है, परमानेंट है।
अब बार बार अगर इसके बावजूद भी अगर आप मुझे एंटी नेशनल कहना चाह रहे हैं तो भाई मैं तो आपको मिठाई खिलाऊंगा, हैदराबाद की सबसे बेहतरीन बर्फी खिलाऊंगा और वह शुक्रिया, मगर ये मुल्क में जो माहौल बन चुका है कि जो मोदी के ख़िलाफ़ जाएगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, जो इनके गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों पर सवाल उठाएगा उसका अनकॉन्स्टिट्यूशन कहेगा तो आप कहेंगे ये किसी और का एजेंडा कर रहा है। कोई फिक्र की बात नहीं है, मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मुझे हिंदुस्तान से मतलब है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब जो लोग खुद एंटी नेशनल है मुझे एंटी नेशनल कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। सर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जिन चीजों का हवाला दे रहे हैं, जिन तर्कों को आप बता रहे हैं, उन्हीं तर्कों को लेके कोर्ट में लोग गए थे और कोर्ट ने नहीं नहीं देखिए 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 फिर आप देखिए फिर आप जो है ना ये आप बॉलिंग करिए चक मत करिए। कोर्ट क्या कहा, कोर्ट ने क्या इस नहीं, कोर्ट ने ये कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। पूछिए क्या कहा, कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है बोल के? मुंह में आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये तो बहस होगी ना, अभी वो तो हुई नहीं। अरे आप लोग यू आर जंपिंग द गन, ये क्या बात है? कोर्ट के सामने ये था कि वहां पर कर्फ्यू है, फुला है, जो भी है, क्या कोर्ट ने बिल के बारे में कहा कुछ? प्लीज आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, कोई खींच ना दे आपको सुप्रीम कोर्ट में कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने खींच दिया था वैसा ही काम आप कर रहे हैं, लगता है आप राहुल गांधी से बड़े मुतासिर हैं। हाँ, अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकता हूँ, कौन रोक सकता है मुझे? मुझे नहीं नहीं मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और रहेगा, जाएंगे बराबर। वो उनसे पूछिए, उनकी पार्टी से पूछिए। नहीं नहीं उनसे देखिए, अरे भाई वो अब नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ यही जाके क्या करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि भाई कर्फ्यू हटाइए, हम ये बोल रहे हैं लोगों को निकलने दीजिए, कम्युनिकेशन को बहाल करिए, जो लोग अरेस्ट हैं उनको छोड़िए। अरे भाई जो लोग कल तक हिंदुस्तान का झंडा उठाकर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर इलेक्शन लड़ते थे, जमहूरियत लड़ते थे, आज आपने उनका जनाजा निकाल दिया, आपने सबको एक सफ में खड़ा कर दिया, ये कौन सी आपकी सियासत है? NSA वहां पर जाते हैं और NSA का तो बड़ा वीडियो चलाया आप तमाम ने, बहुत बाजा बजाया आपने, उनको तो दूल्हा बना दिया, और जो आदमी बैठ साथ में खड़ा था वो बाद में कह रहा है अगर मुझे मालूम होता कि NSA है तो मैं जाता ही नहीं वहां पर, दुकानें बंद हैं, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे, खोलते टेलीफोन क्यों नहीं खोलते आप, क्यों नहीं खोलते? क्या हम इमरजेंसी आ गई वहां पर? क्या बताइए क्या हो रहा है वहां पर? नहीं नहीं अब वो तो देखिए प्रधानमंत्री कल एक और एक खूबसूरत पगड़ी पहनेंगे, कल स्टाइल के साथ आएंगे वो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अब मैं कुछ बोलूँगा तो आप तो ऑलरेडी मुझे कह दिए कि मैं फुलां मुल्क का प्रोपोगंडा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो भैया अब हमको तो आप एंटी नेशनल से आप क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग तो नेशनलिस्ट, वो नेशनलिस्ट, अब क्या करेंगे हम, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे वो? अब बोलेंगे कि मैं अब NRC की बात करेंगे, अब वो बोलेंगे कि अब हम ऐसा कर देंगे। देखिए हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि संविधान इस मुल्क में है, हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी फॉलो करें, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, वो रूल ऑफ लॉ को समझें, रूल बाय लॉ ना करें। तीसरी बात, इस मुल्क में आपकी जैसी मेजॉरिटी इंदिरा गांधी को भी थी और इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई। चौथी बात, पावर इज़ नॉट इटर्नल, पावर ख़त्म होने वाला है और वो ख़त्म होकर रहेगा। तो यही चार बातें हैं, अब वो नहीं सुनेंगे, उनको लगता है कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, ये जिसके चेहरे पे दाढ़ी है इसका तो मॉब लिंचिंग हो जाना चाहिए था, तो बोल रहा है। बट ठीक है, हमारा काम, आपने सवाल किया हम बोल रहे हैं, वरना मैं बोलता नहीं था, आपने पूछा तो इसलिए। अरे वो तो बात ही विलन तो हम ही हैं, अरे वो तो नई बात कहाँ है, वो तो विलन हम ही हैं। देखिए हर पिक्चर में या जो भी हमारी जिंदगी का पिक्चर है, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही विलन रहेंगे, हीरो तो आप लोग रहेंगे, हीरोइन भी आपके पास, हीरो भी आपके पास, साइड एक्टर भी आपके पास, प्रोड्यूसर भी आप, डायरेक्टर भी आप, डायलॉग भी आपके, और विलन सिर्फ हम हैं। सर,
तो कोई बात नहीं। हाँ अब मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना यकीन है कि विलन तो मैं हूँ। ये आप भी देखिए, मैं महाभारत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग एक्सपर्ट हैं तो तय करना चाहिए, एक्टर से पूछिए, शायद वो भीष्म कौन है नहीं मालूम। पहले हरियाणा में हुआ कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, फिर यूपी में मेरठ में इस तरह की चीज क्या हुई, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने के लिए वो किया गया, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, मुझे मालूम करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा सर, लिबरेशन डे को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी काफी जोर शोर से इस मसले को उठा रही है, यहाँ पे 17 सितंबर। देखिए एक बात सुनिए, बहसीत एक हिंदुस्तानी, मुझे फख्र है कि हैदराबाद रियासत जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और वो फख्र रहेगा मुझे हमेशा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये हमको फख्र है इस बात का कि ये रियासत जो उस वक्त की रियासत थी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और हम हिंदुस्तान की जमहूरियत को मानते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कामयाबी आवाम हमको देती है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे सकते हैं हम आपको, बताइए। अब देखिए ना, अब अरे नहीं छोड़िए ना, वो देखिए ना बीजेपी को क्या है, वो हैदराबाद में कहावत है, फातिहा देने को मुल्ला नहीं, नादिदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला, तो इसका तर्जुमा आप किसी से पूछ लीजिए, हम नहीं कर सकते। नादिदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला, तो ये इनके चलते रहता है। इन भाई 10 लाख नौकरियाँ ऑटो इंडस्ट्री में जाने वाली हैं, आप लिबरेशन डे की बात करेंगे, 6% एम्प्लॉयमेंट है, आप लिबरेशन डे की बात करेंगे, महंगाई आसमान को छू रही है, आप लिबरेशन की बात करेंगे, डॉलर उछल रहा है, और हमारी सबसे बड़ी जो कंपनी हिंदुस्तान का जो कोहिनूर है रिलायंस, उसको क्रेडिट स्विस ने उसका कम कर दिया, वो अपना 20% हिस्सा बेच रहा है किसको, सऊदियों को, और फिर भी हम एंटी नेशनल है, हाँ? आप देखिए कितना खूबसूरत माहौल बनते जा रहा है। अब ये सब बातें नहीं करेंगे, देश में सैलाब है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, आप उनको बसाना, उनको मदद करना आप नहीं बात करेंगे, मगर आप ये मुद्दों पे, क्योंकि आप जो अहम मुद्दे हिंदुस्तान की आवाम के उसको आप एड्रेस नहीं करना चाहते, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर कल मैंने कहा था कि पटना में एक वीडियो आया हेडलाइन का, एक लोकल चैनल है, कि एक कुत्ते ने गाय को कतर लिया, तो पूरा एक मॉब जमा हो गया, और मॉब जमा होकर कहने लगा कि नहीं मुसलमान ने किया है और वो छोड़ना नहीं चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि कुत्ता किसी हिंदू भाई का था, अब कुत्ते का भी मजहब मिल गया, गाय का भी मजहब मिल गया। अरे भाई इंसान की फिक्र करो, इंसान परेशान है, आपकी आप सरकार में है, आपको हिंदुस्तान की अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, आप उसकी फिक्र करो। आप कब तक ये इमोशनल जज्बाती इशू जिससे रोज़मर्रा की चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसी पर बाजा कब तक बचाएंगे, छोड़िए अभी आइए, अभी ज़मीन पे ख़दम रखिए, बहुत उड़ लिया आसमान पर भी। हाँ इम्तियाज़ जलील का स्टेटमेंट है वो है, और कुछ अरे हो गया भाई, अब इंग्लिश नहीं होता भाई। They want to do it now. That is what the election commission said. And the whole idea is to change the demography of Kashmir. The whole idea is to have a non-Muslim chief minister from BJP only. And that is why this is a step in changing that in the demography of that state. And that is why it has been bifurcated. And that is why we see that even in 1999 when Operation Vijay was on, the whole of Kargil was with the Indian Army, they're still with the Indian Army. At that time, 144 was not imposed. Now you have imposed 144 in Kargil. What does that speak about the step you have taken? It clearly shows what is happening in Kargil. Exactly. They want to change the demography of the whole state. And that is why the whole intention of BJP is to have a non-Muslim chief minister from that place, and that is why they are doing this. And but I am telling you, you mark that, as I have said in the parliament, the first trouble that will start is from Jammu only. There will be huge trouble, Dogras, Punjabis and Dalits.
Now state BJP chief is saying, no, we cannot allow everyone to come from outside and buy the land. Why? Then why did you do this? What was left of Article 370? Nothing was left, only a shell was left. The raw ex-raw chief Dulat was right. He said it was only a fig leaf. When we have implemented integrated Kashmir by implementing 95% of articles in the constitution. State list, concurrent list, schedule list. Dulat has said this. क्या 35A तो फिर हिमाचल में जमीन खरीद दीजिए ना प्रसाद बोसेकर को खरीदने दीजिए ना मैं देता हूं पैसे आपको मेरे वाइट चेक देता हूं मैं आपको खरीदिए जमीन हिमाचल में आप उत्तराखंड में खरीदिए क्या मैं असदुद्दीन ओवैसी एमपी हूं क्या मैं अरुणाचल प्रदेश जा सकता हूं मुझे परमिट लेना पड़ता अरुणाचल और लक्षद्वीप को क्या मैं आसाम में जाकर जमीन खरीद सकता हूँ शेड्यूल एरियाज में नहीं खरीद सकता हूँ वहां क्यों रखिए आप वहां पर भी होगा याद रखिए आप मैं नागालैंड मिजोरम मणिपुर आसाम के लोगों से कह रहा हूं कि वहां पर भी होगा हिमाचल में भी ये सब निकाल देंगे लोग अभी नहीं निकाले हैं निकालेंगे जरूर देखना आप जब मालूम होगा देश को नागा सेपरेटिस्ट से हम बात कर रहे हैं ये सरकार वो अभी हथियार भी नहीं डाले उनसे आप बातचीत कर रहे हैं और वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट में कहा कि अब हमको नागालैंड के जमीन के अंदर की गैस और ऑयल पे भी हमारा हिस्सा होना चाहिए आप बातचीत कर रहे हैं किसको बेवकूफ बना रहे हैं नागा का इतना बड़ा लीडर इस दुनिया से चल बसा तो तिरंगे के साथ उनका भी फ्लैग था वहां पर और तमाम बीजेपी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग जाकर फूल चढ़ाए जब आपको याद नहीं आया दो झंडे किसको किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप देश देख रहा है और देश फैसला करेगा आखिरी सवाल अगर तीन चीजें अगर कुछ करना है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जम्मू कश्मीर में आज की जो हालात है तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए 370 को वापस लाइए जो लोग जेल में हैं उनको छोड़िए टेली कम्युनिकेशन को बहाल करिए सर द गवर्नमेंट वांट्स टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट समिट टू गिव जॉब्स टू कश्मीर फ्रॉम अक्टूबर 12 टू 14 सर हां अरे भाई बॉस देर इज 6% अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हु आर दे फूलिंग द 6% अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन आवर कंट्री व्हाट अबाउट दैट इशू एंड डू यू थिंक अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन कश्मीर नो ऑन एवरी इंडिकेटर्स द कश्मीरी इज हाई यू थिंक दैट देर इज ट्रबल इन कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट नो इट इज आर कंप्लीट रॉन्ग नॉट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी It is empowerment. Issue is empowerment over there. It is completely wrong. You are beating around the bush at the, you know, what is that? Who stopped you from starting investment on leased land could have been given? Easily that could have been done. Who stopped you from doing that? You couldn't do anything. बिल्कुल हम भी तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पहले ज़्यादा हमारे को उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम और मंजलिस के MIM के पहले ज़्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीत कराएंगे हम पूरे हम मैं हर MLAs को हर एरिया की जिम्मेदारी दिया हूँ मैं म्यूनसिपैलिटी की डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पर जा रहे हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम भी चल रहा है और हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे इलेक्शन तो लड़ेंगे